हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए आज मैं लेके आपके लिए जेंट स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज स्वेटर डालने के लिए खूबसूरत से डिज़ाइन, और ये सिर्फ एक ही सिलाई में बन जाती है। बहुत आसान है, देखिए देखने में कितनी खूबसूरत लग रही है ना, और बनाने में भी इतनी आसान है। रॉन्ग साइड से मैं सारे फंदों को सिर्फ उल्टा उल्टा बुनना होता है। देखिए रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखाई देती हैं, और राइट साइड से ये देखिए छोटी छोटी रेन ड्रॉप के जैसे दिखाई दे रही हैं। तो इस डिज़ाइन को आप डायरेक्ट फंदे डालने के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लेडीज़ कार्डिगन बना रही हूँ, डिज़ाइनर कार्डिगन, तो आप नीचे इसे इसका बॉर्डर बनाएं 5 से 6 इंच का, और आर्म होल की कटिंग के बाद इस डिज़ाइन को डालें, बहुत प्यारा लुक आएगा। जेंट स्वेटर में डाल सकती हैं, बच्चों के स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, पुलोवर, किसी में भी आप इसे डाल सकती हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये एक स्वेटर है जो मैंने क्रोशी से बनाया है। देखिए स्कर्ट है और ये इसका टॉप है। तो ये मैंने वीडियो जो है इसका स्टोरी में मैंने इसका फ़ोटो डाला था, तो लोगों ने मुझसे पूछा मैम इसे बनाना बताइए, तो इसे बनाने की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप इजी क्रोचेट एंड एम्ब्रॉयडरी चैनल पर जाके मेरी क्रोशे की कई डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइनें वहाँ पर हैं। और इन दोनों स्कर्ट और टॉप का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जाके इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी बच्ची के लिए इसे बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत है ना, तो इसे भी बना लीजिए। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको इवन फंदे चाहिए। यहाँ पे मैंने 22 फंदे लिए। देखिए पहला फंदा हमें सीधा बुन लेना है, फिर दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में से हम ऐसे सिलाई को निकालेंगे और फंदा लेंगे, और फिर इसे वापस सिलाई में चढ़ा देंगे। अब उनको हम आगे करेंगे, और देखिए दो फंदों को एक करेंगे, और फिर एक फंदा अकेला बुनेंगे। फिर देखिए ऊन पीछे करेंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में सिलाई इंसर्ट करके एक लूप लेंगे इस तरह से, इसे वापस सिलाई में इस तरह से चढ़ा देंगे, फिर ऊन आगे करेंगे और दो फंदों का, ये देखिए ये जो हमने फंदा लिया है ये और इसके बाद वाला, ये दो फंदों को हम एक करेंगे, तो जो हमने फंदा बढ़ाया वो कम हो गया, और एक फंदा और उल्टा बुन लेंगे। फिर ऊन पीछे करेंगे, ये देखिए दूसरे और तीसरे के बीच में ऐसे हम सिलाई इंसर्ट करेंगे, एक लूप लेंगे, इसे हम इस पर चढ़ा देंगे, और फिर ऊन आगे करेंगे, दो फंदों का एक करेंगे, और फिर एक फंदा और उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। फिर ऊन पीछे करेंगे, दूसरे और तीसरे के बीच में ऐसे हम सिलाई इंसर्ट करेंगे, ये हम फंदा निकालेंगे, फिर इसे हम इस पर चढ़ा देंगे, फिर ऊन आगे करेंगे, ये देखिए ये दो फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, और फिर एक और फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। फिर ऊन पीछे कर लेंगे, देखिए इसी तरह हमें रिपीट करना है। फिर से देख लीजिए, दूसरे और तीसरे के बीच में ऐसे सिलाई को इंसर्ट करेंगे, एक लूप निकालेंगे, इसे हम वापस सिलाई पर चढ़ाएंगे, ऊन आगे लाएंगे, दो फंदों को जो हमने अभी लूप खींचा है और जो हमारे सिलाई के फंदे हैं, दो फंदों को हम एक करेंगे, और फिर एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो इसी तरह ये रो हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए लास्ट वाली डिज़ाइन बनाने के बाद हमारे पास एक फंदा बचेगा, इसे हम सीधा बुन लेंगे। और सेकेंड रो रॉन्ग साइड से आपको सारे फंदों को उल्टा बुनना है। ये देखिए सारे फंदे हमारे उल्टे बने जाएंगे। ये देखिए हमने 2 रोज कंप्लीट कर लिए। देखिए हमारी डिज़ाइन बन गई है। तो अब हमें इसे बनाना इसी तरह से, बस हमें अल्टरनेट करना है। देखिए फर्स्ट रो में हमने एक फंदा सीधा बुना था, अब हम दो फंदा सीधा बुनेंगे और फिर डिज़ाइन डालेंगे। देखिए दो फंदा सीधा बुनेंगे, तो इससे क्या होगा कि जो पहले डिज़ाइन का लास्ट वाला फंदा और सेकेंड वाले डिज़ाइन का फर्स्ट फंदा है, इन दोनों में हमें डिज़ाइन मिल जाएगी। देखिए इस तरह से, देखिए ये हमारी फर्स्ट डिज़ाइन है, ये सेकेंड, तो इसका एक फंदा और इसका एक फंदा, इस तरह से देखिए इस पे चढ़ाया, ऊन आगे किया, फिर दो का एक किया, और फिर एक और फंदे को उल्टा बुन लिया। फिर उन पीछे करेंगे, देखिए दूसरे और तीसरे के बीच से ऐसे सिलाई डाल के फंदे को निकालेंगे, ऊन इस पे चढ़ाएंगे, थोड़ा सा इसे टाइट करेंगे, धागा आगे करेंगे, और दो फंदों का एक करेंगे, फिर एक अकेले, फिर उन पीछे करेंगे, फिर देखिए इस तरह से इसे बनाएंगे, और इसे हम इस पर चढ़ा देंगे, फिर ऊन आगे, और दो फंदों का एक करेंगे, फिर एक अकेला बुनेंगे, फिर उन पीछे इस तरह से, उन आगे, दो का एक, फिर एक अकेला। तो ऐसे ही ये रो भी कंप्लीट करेंगे। बस इतना ध्यान रखना आपको, फर्स्ट रो में एक फंदा सीधा बुनना है, फिर थर्ड रो में दो फंदा, फिर एक, फिर दो, इस तरह से करेंगे। तो ये डिजाइन देखिए हमारी डिजाइन तिरछी जा रही है, तो इस तरह से जाएगी। अगर आप सिर्फ एक एक फंदा ही बुनेंगे तो ये हमारी डिज़ाइन एकदम सीधी सीधी जाएगी। दोनों तरह से डिज़ाइन बहुत प्यारी लगेगी, आप दोनों तरह से डाल के देख सकते हैं। तो पहले हम ये रो कंप्लीट करते हैं। अब देखिए हम थर्ड रो के लास्ट में आ गए हैं, तो ये हमारी लास्ट वाली डिज़ाइन है,
इस तरह से फंदा निकाला, इसे चढ़ाया, फिर ऊन आगे किया और दो फंदों का हमने एक किया और फिर एक अकेला उल्टा बुना। ये हमने उल्टा बुना, फिर ऊन पीछे। अब देखिए दो फंदे लास्ट में बचे हैं, इन्हें हम सीधा बुनेंगे। अगर आप इवन नंबर में फंदे लेते हैं तो जब आप यहाँ पे एक फंदा बुनेंगे तो लास्ट में एक बचेगा, जब यहाँ पे दो फंदा सीधा बुनेंगे तो लास्ट में दो बचेगा। अब हम रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमने सेकंड डिज़ाइन भी कंप्लीट कर लिया। देखिए बनने के बाद हमारी डिज़ाइन इस तरह से दिखाई दे रही है। देखिए कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत डिज़ाइन है। तो इस डिज़ाइन को बनाइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी डिज़ाइन कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।